खबर है दुमका के सरैयाहाट से। 600 किसानों को केसीसी नहीं दे रहा है बैंक। प्रखंड कार्यालय सभागार में मंगलवार को प्रखंड प्रमुख की अनुपस्थिति में उप प्रमुख परमिला देवी की अध्यक्षता में पंचायत समिति की बैठक की गई। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, 14वें वित्त आयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, कृषि, पशुपालन, जन वितरण, पेयजल एवं स्वच्छता सहित अन्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में रक्षा पंचायत के पंसस उमेश मंडल ने सरैयाहाट में यूरिया खाद की कालाबाजारी का मुद्दा उठाया, जिसमें विभागीय पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने के कारण किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिलने से यह मुद्दा सदन में छाया रहा, जो बैठक का केंद्र बिंदु बना रहा। पंसस ने कहा कि किसानों के लिए किसी भी कैंपस में यूरिया खाद उपलब्ध नहीं कराया गया है। मजबूरी में किसान खुले बाजार में 380 रुपया से 400 रुपया प्रति बोरी यूरिया खरीदने को मजबूर है, जबकि 265 रुपया प्रति बोरी सरकारी दर है। बाजार में हो रही यूरिया की कालेबाजारी पर रोक लगाने का मांग किया एवं संबंधित दुकानदारों पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। इससे किसानों के लिए सरकार के महत्वाकांक्षी योजना के केसीसी ऋण का भी लाभ नहीं मिल रहा है। सदन में इससे जवाब में प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रदीप कोटीरवाला ने बताया कि प्रखंड कार्यालय से करीब 650 किसानों का केसीसी आवेदन स्वीकृति कर विभिन्न बैंकों को भेजा गया है, लेकिन किसी को केसीसी का लाभ नहीं मिल पाया है, जिससे संबंधित बैंक दोषी है। इसके साथ ही बैठक में बीईओ संध्या रानी ने स्कूलों में हो रहे ऑनलाइन क्लास की जानकारी सदन को दिया, साथ ही बच्चों को दी जा रही सूखे राशन की भी जानकारी दी। बैठक में कई विभाग के पदाधिकारी व प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। पंसस की माने तो बैठक का सिर्फ कोरम पूरा किया गया। खबर है दुमका से। दुमका उपायुक्त बोले, 30 सितंबर तक करें नए कार्ड के लिए आवेदन, छूटे हुए लाभ। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में मंगलवार को आपूर्ति विभाग की बैठक की गई। उपायुक्त ने कहा कि छूटे हुए योग्य लाभुक 30 सितंबर तक प्रखंड में राशन कार्ड के लिए आवेदन कर लें, इसके बाद सबकी जांच की जाएगी, तभी राशन कार्ड बनेगा। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे गरीब एवं जरूरतमंद लोगों तक खाद्य सामग्री योजनाबद्ध तरीके से पहुंचाने का निर्देश दिया। बैठक के क्रम में बताया कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य के छूटे हुए 15 लाख लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस योजना का लाभ लेने हेतु सुयोग्य लाभुक ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन दे सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन देने हेतु लाभुक पंचायत कार्यालय के साथ साथ प्रखंड कार्यालय में अपना आवेदन जमा करा सकते हैं। 17 सितंबर से 30 सितंबर तक आपूर्ति विभाग द्वारा आवेदन ली जा रही है। उपायुक्त ने कहा है कि प्राप्त आवेदनों की पात्रता से जांच की जाएगी, इसके बाद ही सूची बनाकर लाभुकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। आयोग लाभुक न ले लाभ, इसका रखे ख्याल। उपायुक्त ने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप कार्य करें, कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। इस योजना का लाभ आयोग्य लाभुक न ले पाए, इसके सुनिश्चित करना होगा। आदिम जनजाति को प्राथमिकता देते हुए झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पहुंचाएं। इसके साथ ही महिला प्रधान परिवारों को भी प्राथमिकता दें। उन्होंने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि कार्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसे सुनिश्चित कर लें कि सूची उपलब्ध कराने के उपरांत जिला स्तर से टीम गठित कर हर पंचायत में जांच की जाएगी। खबर है जामताड़ा से। जिले के 100 बच्चों को मिलेगी ऑनलाइन शिक्षा। CSC टॉपर आशा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा मिलेगी। इसके लिए कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आगे ऑनलाइन शिक्षा की शेड्यूल तय होगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने CSC टॉपर आशा कार्यक्रम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने की तैयारी की है, ताकि छात्रों को बेहतर सीखने के लिए मुफ्त में सहायता मिल सके। देश भर में करीब 5000 बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने की योजना सरकार की है। इसमें जामताड़ा जिले के करीब 100 बच्चों को यह लाभ मिलेगा। जो बच्चे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हें यह कार्यक्रम का लाभ मिलेगा। खबर बताया जा रहा है कि जामताड़ा से सम्मान निधि योजना के वंचित लाभुकों को मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार की पहल पर अब जिले में PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित 35,708 किसानों को योजना का लाभ अक्टूबर माह के प्रथम पखवाड़े में मिलेगा। जिले में अब तक 53,212 किसानों को PM सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। अक्टूबर माह से जिले में किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल 88,920 किसानों को योजना से लाभान्वित करने में सरकार सफल रहेगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।